नमस्कार, गुजरात तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ ईशा मालवी। 26 जनवरी 2001, एक ऐसा दिन जब गुजरात में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके जख्म अभी भी कहीं ना कहीं ताजा है। आपको याद ही होगा कि क्या हुआ था 2001 में। जहां एक तरफ हमारा देश गणतंत्र दिवस का उत्साह मना रहा था, तो वही दूसरी तरफ गुजरात के भुज में लोग भयानक भूकंप की मार से बचने की कोशिश में लगे हुए थे। इस भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे और लाखों घर क्षतिग्रस्त हुए थे। आप सोच रहे होंगे कि आज इतने सालों बाद हम क्यों भुज भूकंप के जख्मों को कुरेद रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2019 यानी भूकंप के ठीक 18 साल बाद इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मिक रिसर्च ने अहमदाबाद में रैपिड विजुअल सर्वे किया था। अहमदाबाद शहर के रामबाग इलाके में हुए इस सर्वे को करीब से समझने की कोशिश करें तो इसमें 100 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जांच की गई थी और इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मिक रिसर्च की इस रिपोर्ट में ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इलाके में 88% बिल्डिंग सॉफ्ट स्टोरी है। सॉफ्ट स्टोरी मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें बड़ी खिड़कियां या दरवाजा होने के चलते मजबूत नहीं बन पाती और भूकंप आते ही बिल्डिंग जमीन दोष हो जाती है। अगर सिर्फ अहमदाबाद शहर की बात करें तो सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग की वजह से 752 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी मामले में जब मेरी सहयोगी सौम्या सिंह ने इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मिक रिसर्च के डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि हाई राइज बिल्डिंग में पार्किंग स्पेस सबसे कमजोर कड़ी होती है। जितना भी बिल्डिंग्स जो हाई स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसमें जनरली आप देखें तो एक नीचे ग्राउंड फ्लोर में सॉफ्ट स्टोरी होती है। सॉफ्ट स्टोरी मीन्स पार्किंग के लिए जगह रखते हैं, तो पार्किंग की जगह रखें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें क्या होता है कि आपको शियर वॉल्स बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वो सबसे कमजोर कड़ी है। कभी भी बड़ा भूकंप आएगा तो जो पार्किंग वाला एरिया वो सबसे कमजोर कड़ी है, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जनरली शियर वॉल्स बनाते हैं। तो अगर आपने पार्किंग एरिया में कोई भी सोसाइटी बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, अगर उन्होंने शियर वॉल्स उसमें बनाई है तो दैट इज एग्जैक्टली सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन आंकड़ों को देखकर हैरानी होती है। आज 19 साल बाद भी गुजरात राज्य की इमारतें लोगों के रहने लायक नहीं है। हैरानी होती है क्या राज्य सरकार अब भी इन आंकड़ों से वंचित है? और अगर राज्य सरकार इस बड़ी परेशानी को नजरअंदाज कर रही है तो अनहोनी के बाद किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या 2001 के विनाशकारी भूकंप से भी गुजरात सरकार कोई सबक नहीं ले पाई? हम गुजरात सरकार को सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक इन मुद्दों को ऐसे ही नजरअंदाज करोगे? अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अपनी बिल्डिंग को मजबूत बनाए। इमारत के नाजुक क्षेत्रों में एक स्टील फ्रेम जोड़े, दीवारों से इमारत की नींव का निर्माण करें, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए पतली दीवारों को अपनी बिल्डिंग से जोड़ना। गुजरात तक पर और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए गुजरात तक को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।